लहर है वो किस चीज़ को लेकर के है? क्या है कि पिछले 1.5 साल से एक मसला हो रहा था कि शिवसेना किसकी, और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो आदरणीय इस महाराष्ट्र राज्य के जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है नार्वेकर साहब, इनकी अदालत में वो फैसले को ये किया गया था, रखा गया था, और उस फैसले का आज निर्णय हुआ। और खरी शिंदे शिंदे चीज इसका जो निर्णय हुआ, इसके लिए आज पूरे महाराष्ट्र भर में पूरे जितने हमारे शिवसैनिक है, जो बाला साहब के जो चाहने वाले, दिगे साहब के जो चाहने वाले, शिंदे साहब के चाहने वाले, उन्होंने उनके इसमें एक खुशी की लहर दौड़ी है, और उस खुशी को हमारे मुमरा में भी हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे शिवसेना के सारे पदाधिकारी उपस्थित है और एक जल्लोष ऐसा कर रहे हैं, जहाँ पर शिंदे साहब की जो शिवसेना थी, जो बाला साहब को लेकर शिवसेना चलना चाहिए वो हिसाब से बाला साहब को, बाला साहब की विचारों की, दिगे साहब की विचारों की, जो एक 80% समाजकरण, 20% राजकारण, ये बाला साहब का जो सपना था शिवसेना से, शिवसेना के माध्यम के माध्यम से जो लोगों की सेवा होनी चाहिए, शाखा शाखा के माध्यम से जो लोगों की सेवा होनी चाहिए, वो पिछले 2.5 साल में नहीं हो रही थी। उसमें सिर्फ ऐसे चल रहा था कि मैं और मेरा परिवार, ऐसा शिंदे साहब का कहना है, मैं और मेरा परिवार, ऐसे जो पिछले मुख्यमंत्री थे वो कह रहे थे, लेकिन 1.5 साल में आप देखेंगे कि शिंदे साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र भर में एक अलग जो एक शासन अपना, विकास की लहर, जो शासन अपने दार के माध्यम से हर लाभार्थी की तरफ, आप शेतकरी के बारे में देखो, शेतकरी को जो एक 6,000 केंद्र सरकार से मिलता था, उसने महाराष्ट्र शासन के 6,000 बढ़ा के 12,000 कर दिए, एक शेतकरी के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। आप देखेंगे हमारी महिला बहनें हैं, उनको 50% जो एक बस का जो एसटी का जो प्रवास की जो ये सुविधा थी, वो सहूलत दिया है, उसमें 50% सहूलत दिया है, और हमारी महिलाएं भी खुश हैं। आप देखेंगे महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरण, हर जो एक क्षेत्र है उसमें माननीय जो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री है और उनके सारे जो आमदार हैं, उनके जो सारे मंत्री हैं, उनकी सारी जो पूरी टीम है। इस तरह से कहा जा रहा था कि विधायक जो है आयोग ठहराई जाएगी, लेकिन फैसला जो है शिंदे गुट के तरफ में आया है, तो आप लोग मना रहे हैं, क्या बताएं? क्या है कि आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से जो एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के हमारे जो महाराष्ट्र सरकार के जो विधानसभा के अध्यक्ष है माननीय श्री नार्वेकर साहब, इनके अदालत में वो फैसला छोड़ा गया था जो पात्र और अपात्र का, उसमें और खास करके शिवसेना किसकी, इसके बारे में भी उसमें कहा गया था उस निर्णय में। तो ये जो निर्णय हुआ है ये शिंदे साहब के हक में हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये शिवसेना जो खरी शिवसेना है, सच्ची शिवसेना है, वो शिंदे साहब की शिवसेना है, और आज उनको ये निर्णय मिला है, उनके इसमें सब उनकी शिवसेना करके ऐसा हुआ है। और आपको बता दूं कि खरी शिवसेना क्यों कहा गया, क्योंकि वो बाला साहब के विचारों को लेकर, जो बाला साहब के विचार है, जैसे कि समाज की तरफ उनको जो ध्यान था कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण, उनके जो विचार थे, उनके विचारों को लेकर शिंदे साहब चल रहे थे। और ये मैं समझता हूँ कि बाला साहब और दिगे साहब का आशीर्वाद है शिंदे साहब को, जो ये निर्णय उनके हक में आया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। पूरे शिवसेना का जो पूरे गुट है उनके साथ में, जो जिन लोगों ने हिम्मत की थी शिंदे साहब पे जाने के, शिंदे साहब के साथ में जाने की, वो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने रिस्क लेकर भी शिंदे साहब के साथ में गए, और ये सच्चाई की आज जीत हुई है, उनका सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। वही विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि ये पूरा फिक्स किया गया था, फिक्सिंग के तहत हुआ है। अभी हर बार विरोधी यही कहता है कि फिक्सिंग हुआ था, ये हुआ था, वो होता, अभी जो उनके बारे में अगर ये यही अगर ये फैसला और यही अगर उनका कहना है कि अगर ये उन्होंने फिक्सिंग किया है, तो ये अगर उनकी सरकार होती, अगर उनके अध्यक्ष होते विधानसभा के और उनके रहते, तो ये फैसला उनके हक में जाता था। और जो शिंदे साहब ने जो उद्धव गट के लोग थे यूबीटी के, उनको भी अपात्र नहीं किया है, हालांकि उनके गट को भी अपात्र होना चाहिए था, अगर ये अपोजिशन वाले रहते यहाँ इस जगह पे, तो ये यूबीटी के जो लोग थे 14 लोग, उनको भी अपात्र ठहराते,
और ये पूरा फैसला अपने हाथ में कर देते। लेकिन शिंदे साहब या जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो स्पीकर है, उन्होंने ऐसा किसी के हक में या किसी के इसमें नहीं दिया। ये जो सच्चाई है, जो इसके जो कानूनी जो उसके दायरे में रह के उन्होंने ये फैसला सुनाया है, और उनका उस फैसले का हम लोग सभी लोग आदर करते, सम्मान करते। उनका सभी जो यहाँ सिंधे साहब को साथ देकर चले गए थे, तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। फैसला जो आया है, निकाल जो आया है, वो सिंधे गुट की तरफ आया है। काफ़ी अड़चने थी योग आयोग को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मुंब्रा मध्यवर्ती शाखा, शिवसेना शाखा मध्यवर्ती शाखा मुंब्रा के तरफ से आज यहाँ पे जल्लोस और उत्साह का आयोजन किया था, क्योंकि आज जो शिवसेना पार्टी है, जो शिवसेना पक्ष और चिन्ना ऑफिशियली हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इनको मिला है, और उसी के कारण आज पूरे मुंब्रा में देख सकते आप खुशी का माहौल है, और बहुत सारे शिवसैनिकों ने, पदाधिकारियों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे धूमधाम से उसका उत्सव और जल्लोष साजरा किया है।